Hello students, welcome to ICOM classes and second lecture on investment accounting. Without wasting time, let's read the question. Bhagwati entered into the following transactions of purchase and sales of 12% debentures of rupees 100 each of Mansi Limited. Interest payable on 30 June and 31st December every year. Transaction are as under. Date, number of debentures and terms. 1st April 2012, 800 debenture, term में दिया है opening balance. मतलब इसके पास पहले से 800 debenture थे, उसका cost कितना था बेटे? 76,000. फिर उसके बाद 1st June, 300 debenture, sold किया है 105, कौन सा interest? कम interest, ठीक है. फिर उसके बाद 1st September 700 debenture क्या किया है purchase 98 में x interest. फिर 1st December को 400 debenture क्या किया है purchase 108 कौन सा interest है कम interest. फिर उसके बाद 1st February के दिन 900 debenture sold किया है 97 x interest. Prepare investment account of 12% debenture in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2013. The market value on 31st March 2013 was 67,500. Apply accounting standard 13. देखो बेटे ये question November 2016 में भी आया था और March 2007 में भी है. Let's start the solution. ठीक है बेटे, सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर इन द बुक्स ऑफ भगवती. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन, आपने इन्वेस्ट किया है 12% डिबेंचर ऑफ मानसी लिमिटेड. फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013. और दूसरी लाइन पे जाएंगे तो पता चलेगा दो टाइम कंपनी इंटरेस्ट देती है, 31 जून को और 31 दिसंबर को. तो ईयर इट इज 30 जून एंड 31 दिसंबर. याद करो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, सम स्टार्ट नहीं कर लेगा, सबसे पहले सीक्वेंस बना लेगा. चलो सीक्वेंस बना दे. फर्स्ट अप्रैल 2012, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है ओपनिंग बैलेंस. उसके बाद नेक्स्ट डे के क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट जून सेल का, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्स्ट जून 2012 सेल. जून के बाद सितंबर को परचेज है तो एक लाइन छोड़ के फर्स्ट सितंबर परचेज. सितंबर के बाद फर्स्ट दिसंबर को फिर से परचेज है, एक लाइन छोड़ के फर्स्ट दिसंबर अगेन परचेज. उसके बाद 1 फरवरी को सेल है तो एक लाइन छोड़ के दिखाएंगे फर्स्ट फरवरी, 12 बन जाएगा 13 सेल. उसके बाद साल खत्म कर देंगे, दैट इज 31st मार्च 2012, सॉरी 13 हो जाएगा, 12 नहीं रहेगा. साल खत्म होता है तो क्या निकालते हैं बेटे, क्लोजिंग बैलेंस. इतना लिखने के बाद अब इंटरेस्ट को एडजस्ट करो. इंटरेस्ट दो टाइम मिल रहा है, पहली बार इंटरेस्ट कब मिलता है 30 जून, चलो देखते हैं 30 जून कहां आएगा. 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में 30 जून नहीं आया, 1 जून से 1 सितंबर के बीच में 30 जून आया. तो यहां पे लिखता हूं 30 जून 2012 क्या आ जाएगा बेटे, इंटरेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट है 31st दिसंबर, तो 1 सितंबर और 1 दिसंबर के बीच में आएगा. 1 दिसंबर से 1 फरवरी के बीच में 31st दिसंबर जरूर आएगा. 31st दिसंबर 2012 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट. सो बच्चे ओवरऑल आपको कितना ट्रांजैक्शन सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्वेश्चन करना. सबसे पहले 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहां पे जाएंगे डेबिट में. 1st April 2012 ओपनिंग बैलेंस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलो ओपनिंग बैलेंस का डिटेल पढ़ लेते हैं. 1st अप्रैल को 800 डिबेंचर का, तो यहां पे लिखूंगा 800. याद करो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है तो 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा,
800 बच्चे क्या बन जाएगा 80,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी 76,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 76,000। अब बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। सो मूविंग टू वर्किंग नोट नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन रुपीज। चलो तुम बताओ इंटरेस्ट कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है कि फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 80,000 है। 80,000 फॉर डैश मंथ। मंथ के लिए तो अपने को बैकवर्ड ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी आपका अपन अप्रैल स्टार्ट हुआ है। देखो कैलकुलेट करते वक्त अगर महीना स्टार्ट हुआ तो वो महीने को नहीं लेगा, लेकिन पीछे जाते वक्त अगर महीना स्टार्ट हुआ तो वो महीने को आप ले लो। जैसे अभी आप 1 अप्रैल में हो तो अप्रैल को मत लो। अप्रैल से पहले क्या आएगा, मार्च, मार्च लेना पड़ेगा, फेब लेना पड़ेगा, जैन लेना पड़ेगा, और दिसंबर 31st है। अगर 31st दिसंबर को कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है, इसका मतलब दिसंबर तक का इंटरेस्ट दिया है, तो आप दिसंबर को आप ले लोगे, आप सिर्फ कितना महीना लोगे, 3 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 मंथ। तो 80,000 रुपीज पर 12% इंटरेस्ट निकालने 9,600 आ जाएगा। 3 महीने का निकालना है तो (3)/12 आपका इंटरेस्ट आ गया बेटे 2,400 रुपए। यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे 2,400, वर्किंग नोट के कॉलम में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। उसके बाद 1 जून को है सेल। बेटे सेल करोगे तो डिवेंचर जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कब बेच रहे हो, जून 2012। चलो फटाफट देख ले कितने का सेल किया, क्या किया। तो बच्चे उसने 300 डिबेंचर बेचे, 105 रुपए में बेचा है, और आगे लिखा है कम इंटरेस्ट 300। तो यहां पर लिखता हूं 300, फेस वैल्यू तो 100 होती है ना, तो 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा 30,000। 105 में बेचा है लेकिन कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट तो माइनस होता है ना, माइनस होता है, इसके लिए आप बिल्कुल भी ना तो कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, सीधा वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 यहां लिखने का प्राइस। चलो देखे तो क्या प्राइस है, डिबेंचर है 300, फेस वैल्यू 30,000, तो यहां पे मैं फेस वैल्यू को ले लेता हूं 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने में बेचे हो 105 रुपए। तो आप 105 के आगे क्या लगा दो, परसेंट लगा दो, तो ये 31,500 आना चाहिए। 30,000 × 105% is equal to 31,500 प्राइस है। अब कम इंटरेस्ट है तो इसमें से कम इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, लेस कम इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट क्या पे कैलकुलेट होता है, प्राइस पे, कॉस्ट पे या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 30,000 है। कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 फॉर डैश मंथ। चलो मंथ के लिए फिर बैकवर्ड जाएंगे। अभी आपका हमारा जून, जून तो स्टार्ट हुआ, भूल जाओ जून को, जून से पहले आता है मई, फिर क्या आ जाता है अप्रैल, फिर आता है मार्च, फिर फेब, फिर जैन, और दिसंबर में तो इंटरेस्ट मिला था, तो अभी जो इंटरेस्ट आएगा वो कितने महीने के लिए आएगा, फॉर 5 मंथ। तो 30,000 का 12% निकालेंगे, आंसर आएगा 3,600, और 5 महीने के लिए (5)/12, तो आंसर आ जाएगा 1,500। ये इंटरेस्ट माइनस हुआ, कॉस्ट आपका आ गया 30,000।
यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट 30,000 एंड योर इंटरेस्ट इज 1500 एंड योर वर्किंग नोटिस। तो याद रखना बेटे, कभी भी कम इंटरेस्ट बोले तो कम इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू निकालेगा और सीधे वर्किंग नोट पे जाएगा। प्राइस इस तरह से निकालेगा, इंटरेस्ट इस तरह से निकालेगा, माइनस करने का जो आएगा कॉस्ट में लिख देगा और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कर। अब याद करो क्या पढ़ाया था, जब भी सेल होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3 PNL ऑन सेल। PNL ऑन सेल में सबसे पहले आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब आपने डिबेंचर कितने रुपए में बेचा, तो वो क्रेडिट मिल जाएगा, अभी फॉरन मिल जाएगा। देखो ये रहा मेरा सेल और कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट कितना है 30,000, तो यहां पे दिखाएंगे 30,000। भाई मैंने मेरा डिबेंचर कितने में बेच दिया, 30,000। अब इसमें से माइनस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। याद करो लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए तीन लाइन का ब्रैकेट बनाने का। यहां पे लिखेंगे फेस वैल्यू, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट। फेस वैल्यू के लिए क्या करोगे, पूरा डेबिट प्लस करोगे फेस वैल्यू का, क्रेडिट पे जाओगे करंट फेस वैल्यू को छोड़ के, ऊपर अगर कुछ भी है तो माइनस कर देंगे। डेबिट क्या प्लस करना बेटे 80,000 ही, और क्रेडिट में इसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो 80,000 का 80,000 ही आ जाएगा। सेम चीज कॉस्ट के साथ भी करेंगे, पूरा डेबिट प्लस करेंगे 76, क्रेडिट में जाएंगे करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के, अगर ऊपर कुछ भी होगा तो माइनस कर देता, नहीं है तो 76,000 का 76,000 ही ले लेंगे। अब करंट ट्रांजेक्शन का फेस वैल्यू, ये करंट ट्रांजेक्शन है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 30,000, तो यहां पर बेटे आ जाएगा 30,000, यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 76,000 डिवाइडेड बाय 80,000, आंसर आया 28,500। तो बच्चे जो डिबेंचर आपने 30,000 में बेचे हो वो डिबेंचर आपको पड़ा कितने में था, 28,500, यानी आपने 1,500 रुपया महंगे में बेचे हो, और महंगे में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट, प्रॉफिट पर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 3। फेस वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कॉस्ट में लिख देंगे 1500। डेट एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 जून 2012। चलो सेल सक्सेसफुली खत्म हो गया। सेल के बाद 30 जून को है इंटरेस्ट, बच्चे इंटरेस्ट आपका फायदा है तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट, तो फेस वैल्यू में भी कुछ नहीं आएगा, कॉस्ट में भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कहां पर आएगा इंटरेस्ट में, और वो आएगा वर्किंग नोट नंबर 4 से, क्योंकि 3 तक तो कर लिए थे। चलो मूविंग टू वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन रुपीज। आपके पास 80,000 का डिवेंचर था जिसमें से 30,000 का डिवेंचर आप बेच चुके हो, तो अभी भी आपके पास 80,000 का डिवेंचर है या सिर्फ 50,000? 50,000 का, तो इंटरेस्ट भी आपको कंपनी कितने पे देगी, 50,000। अब बेटे कंपनी साल में दो बार इंटरेस्ट दे रही है, दो बार दे रही है तो कितने महीने का दे रही है, 6 महीने का, तो यहां पर लगेंगे 4 6 मंथ। 50,000 रुपए पर 12% आ जाएगा 6,000,
छह महीने के लिए इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 3000। तो यहाँ पे रहेंगे हम लिखेंगे 3000, ये सक्सेसफुली इंटरेस्ट भी सॉल्व किया। उसके बाद 1 सितंबर को परचेज किए तो जाएंगे डेबिट में, क्योंकि परचेज करोगे तो आएगा, जो चीज आती है डेबिट हो जाती है, तो डेबिट में लिखेंगे 1 सितंबर 2012 टू बैंक अकाउंट। फटाफट जाके देखते हैं क्या परचेज किया था। 1 सितंबर को 700 डिबेंचर परचेज किया है 98 रुपीस में और एक्स इंटरेस्ट, बेटा एक्स इंटरेस्ट तो एकदम जल्दी से सॉल्व हो गया। 700 डिबेंचर परचेज किया 700, फेस वैल्यू तो 100 रहता है, 20 बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 70,000। अब हम क्या करेंगे, 70,000 लेंगे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाइड बाय कितने में खरीद रहे हो 98, तो डायरेक्टली 98% 68,600। अब बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट भरो, वर्किंग नोट नंबर 5 में निकल जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन रुपीस, हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 70,000 है, 70,000 फॉर अब मंथ पता करना पड़ेगा, डैश मंथ हो कहां अभी सितंबर, सितंबर तो बेटे स्टार्ट हुआ है, मतलब सितंबर से बैकवर्ड जाता है, सितंबर के पहले आ जाता है अगस्त, अगस्त के पहले क्या आ जाता है जुलाई, जुलाई के पहले क्या आता है जून, जून की 30 को इंटरेस्ट मिला तो था तो जून को जाने दो, अगस्त एंड सितंबर, सितंबर भी नहीं ले सकते, यानी कह रहे थे खाली जुलाई और अगस्त दो महीने का इंटरेस्ट आएगा। आई रिपीट, सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है, सितंबर को जाना है, सितंबर से पहले अगस्त आता है, अगस्त से पहले जुलाई आता है, दो महीना, 30 जून को इंटरेस्ट मिला था तो जून तक का मिला होगा, तो जून को काउंट नहीं कर सकते, कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे, दो महीने का, 70,000 का 12% आ जाएगा 8,400 इंटू 2 अपॉन 12, क्योंकि हमें दो महीने के लिए चाहिए, अपॉन 12, वेट 70,000 का 12% 8,400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आएगा 1400 1400। तो यहाँ पे लिखेंगे 1400 and this is nothing but your working note number 5। चलो परचेस सॉल्व हो गया। फिर 1 दिसंबर को वापस परचेस, वापस डेबिट में आएंगे, लिखेंगे 1 दिसंबर 2012 टू बैंक अकाउंट। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, 1 दिसंबर को कितने डिबेंचर खरीदा था, कितने में खरीदा था, एक्स इंटरेस्ट था कि कम इंटरेस्ट था, 400 डिबेंचर खरीदा है 108 रुपीस में और कम इंटरेस्ट, तो 400 डिबेंचर खरीदा तो पहले यहां पर लिखता हूं 400, फेस वैल्यू का 100 होती है तो कितना चला जाएगा 40,000, बच्चे कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है तो आपको वर्किंग नोट में भागना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 6 यहां लिखेंगे प्राइस, प्राइस में आप क्या करोगे, फेस वैल्यू लोगे, फेस वैल्यू 40,000 है, क्या रेट पे खरीदा था 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 परसेंटेज, तो 40,000 इनटू 108 परसेंट आंसर आ जाएगा 43,200। इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, लेस कम इंटरेस्ट ऑन रुपीज, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे आता है, फेस वैल्यू बेटे कितनी है 40,000 फॉर डैश मंथ। चलो फटाफट हम लोग मंथ कैलकुलेट करते हैं, अभी आपका करो दिसंबर, दिसंबर तो बच्चे स्टार्ट हुआ है, भूल जाओ दिसंबर के पहले नवंबर,
अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून में इंटरेस्ट मिला था तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा? 4-5 मंथ। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 40,000 का 12% 4,800, 5 महीने के लिए चाहिए तो इनटू 5 डिवाइड बाय 12 आंसर आएगा 2,000 रुपया। 2,000 इंटरेस्ट है, माइनस करने पे वैल्यू बचेगा 41,200। यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके 41,200, यहाँ पे आ जाएगा 2,000, वर्किंग नोट में आ जाएगा 6। परचेज भी हो गया। फिर बेटे 31st दिसंबर को देखो क्या है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो चलिए सेम, ये इंटरेस्ट का डेट नहीं लिखा था मैंने, 30 जून 2012। 31st दिसंबर को फिर से इंटरेस्ट है तो फिर क्रेडिट पे लिखेंगे 31st दिसंबर 2012 बाय बैंक। क्या पढ़ाया था? जब पर्टिकुलरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो फेस वैल्यू और कॉस्ट में डैश सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे और उसके लिए तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर होगा 7। तो वर्किंग नोट नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन रुपीज। चलो समझते हैं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं वरना रीड करने में। वर्किंग नोट नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन रुपीज। चलो ध्यान से देखो, 80,000 का डिबेंचर खरीदे ना, 80,000, 70,000 का और खरीदे 70,000, 40,000 का और खरीदे तो टोटल डिबेंचर 1,90,000 का है, जिसमें से 30,000 का डिबेंचर बेच दिए। तो अभी जो आपके पास डिबेंचर है वो है 1,60,000 का। कंपनी तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट देगी क्योंकि साल में 2 बार देती है, 4-6 मंथ। तो 1,60,000 का 12% आ जाता है 19,200, 6 महीने के लिए चाहिए तो 8 to 6 divided by 12 आपका इंटरेस्ट आ गया बच्चे 9,600। यहाँ पे लेंगे दिखाएंगे 9,600, ये आपका इंटरेस्ट भी सॉल्व हो गया। 1 फरवरी को सेल है, सेल करोगे तो जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट, क्रेडिट में लेंगे 1 February 2013 by bank account। सेल का ट्रांजेक्शन पढ़ लेते। 1 February को 900 डिबेंचर बेचा है 97 rupees एक्स इंटरेस्ट 900 है तो यहां पे लिखता हूं 900। तुम बताओ 900 लिखना सही रहेगा या फेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल सही, 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। और बच्चे एक्स इंटरेस्ट है तो वर्किंग नोट में जाने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट निकल जाएगा। 90,000 लेंगे कैलकुलेटर पे, कितने रुपए में बेचो? 97, तो मल्टीप्लाई बाय 97% आंसर आ गया 87,300। अब आप वर्किंग नोट सिर्फ एक चीज के लिए बनाओगे, दैट इज इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन रुपीज। फेस वैल्यू बढ़ाता है, फेस वैल्यू 90,000 है, फॉर मंथ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा डैश मंथ। अभी आप फरवरी में, फरवरी तो स्टार्ट हुआ है, भूल जाओ फरवरी के पहले आता है जनवरी, जनवरी के पहले आता है दिसंबर, दिसंबर को तो इंटरेस्ट मिला था तो क्या है से सिर्फ 1 महीने का गैप है तो फॉर 1 मंथ नहीं आएगा, फॉर 1 मंथ आ जाएगा। चलो 90,000 का 12% आता है 10,800, 1 महीने में चाहिए तो इंटू 1 divided by 12 इंटरेस्ट बच्चे आ गया 900।
सेल करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 9 के अंदर PNL ऑन सेल। सबसे पहले क्या लिखेगा बेटे, सेल प्राइस। सेल प्राइस कॉस्ट के माध्यम से मिलता है, सेल प्राइस। चलो कॉस्ट के कॉलम से सेल प्राइस दे रहे हैं 87,300 माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट, तीन लाइन का ब्रैकेट बनाएंगे, फेस वैल्यू और कॉस्ट। क्या करोगे फेस वैल्यू के लिए, पूरा डेबिट प्लस करोगे, पूरा डेबिट फेस वैल्यू का प्लस करूंगा तो 1,90,000 आएगा। क्रेडिट में जाऊंगा करंट फेस वैल्यू को छोड़ देने का और ऊपर वाले को माइनस कर देने का, तो 1,90,000 में से इसको छोड़ोगे जब इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1,60,000। गॉट इट। अब सेम चीज कॉस्ट के साथ करो, पूरा डेबिट प्लस करो, 76,000 है, 1500 है, 68,600 है, 41,200 पूरा डायरेक्ट प्लस किया, 187,300 आया। क्रेडिट में जाएंगे करंट कॉस्ट को छोड़ देने का, ऊपर वाले माइनस करते हैं, लेस 30,000 वैल्यू बचेगा 1,57,300। अब करंट ट्रांजेक्शन का फेस वैल्यू, करंट ट्रांजेक्शन ये है, इसका फेस वैल्यू है 90,000, तो यहां पे लिखता हूं 90,000 क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये डिवाइड हो चला जाएगा, तो बच्चे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 157,300 आई एम डिवाइडेड बाय 1,60,000 आपका आंसर आएगा 88,481 उसका कॉस्ट था और आपने बेचे हो 87,300, आपने तो सस्ते में बेच के मतलब लॉस हो जाता है, 87,300 माइनस 88,481 आपको लॉस हो जाएगा 1,181 का, 1,181 दिस इज योर लॉस। बेटे प्रॉफिट को डेबिट में रिकॉर्ड किया था तो लॉस क्रेडिट में रिकॉर्ड होएगा, क्रेडिट में जाएंगे लिखेंगे बाय प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, जो वर्किंग नोट नंबर इज 9, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट के कॉलम में 118 87,300 फटाफट हम अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज कर दिए। चलो सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज कर रहे हैं, डेबिट ही बढ़ा रहा है माइंड सेट रखो, डेबिट साइड इज 1,90,000 यहाँ पे लिखा 1,90,000 यहाँ भी 1,90,000 1,90,000 में से 90 जाएगा तो 1,00,000 बचेगा, 30 जाएगा तो 70,000 बचेगा, सर्कल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 70,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st March 2013। अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कितना फेस वैल्यू है 70,000 फॉर डैश मंथ। चलो मंथ कैलकुलेट कर दें, अभी आप कहां पर हो, मार्च 31st तो खत्म हो गया तो मार्च लेना पड़ेगा, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था तो बच्चे कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा 3, तो 70,000 का 12% 8,400 तीन महीने का निकालना है तो इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12
आंसर आ जाएगा 2100 रुपीज। यहाँ पे लिख देने का 2100 इंटरेस्ट में वर्किंग नोट नंबर 10। अब इंटरेस्ट क्लोज कर दें बेटा, इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो उसका कौन सा साइड बड़ा रहेगा? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इंटरेस्ट का कभी भी बड़ा नहीं रहेगा, याद रखना। चलो क्रेडिट सबको इसको नहीं रहेगा, इसको भूलने का। 2100 + 900 + 9600 + 3000 + 1500 = 17100। यहाँ लिख दी, यहाँ भी आने का लिख देने का 17100। चलो माइनस करो डेबिट को, पहला अमाउंट 2000, फिर 1400, फिर 2400, बचा 11300। यहाँ पे लिखेंगे 11300। इतने का एक्चुअल प्रॉफिट, इतना इंटरेस्ट कमाए, इतना खर्चा किए, इतना बचा, बचा तो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट, ब्रैकेट बना के लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ईयर एंड का डेट देना है, दैट इज 31 मार्च 2013। चलो आप कॉस्ट को क्लोज करते हैं, असेट है तो डेबिट ही बड़ा रहेगा, 76,000 + 41,200 = 1,87,300। चलो माइनस कर दें, 1181 - 87,300 - 30,000, ये जो 68,819 बचा है माइनस करने के बाद, उसको यहां पर मैं नहीं लिख सकता क्योंकि क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों में से जो कम रहेगा उसको लेना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 11 क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में बेटे सबसे पहले आपको लेने का कॉस्ट, सबसे पहले क्या लेने का कॉस्ट, तो कॉस्ट ही तो अभी कैलकुलेट किया, उसको प्लस किया, इसको माइनस किया, कितना है 68,819। कैसे आता है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे, दिस इक्वल टू 68,819। उसके बाद लेना है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का हिंट क्वेश्चन में बच्चे दिया रहता है तो क्वेश्चन में जाके मार्केट प्राइस देख ले। तो लास्ट लाइन पे देखो मार्केट प्राइस दिया है, द मार्केट वैल्यू ऑन 31st मार्च वाज 67,500, व्हिच एवर इज लेस लेना है, लेस कौन है, मार्केट प्राइस लेस है तो मार्केट प्राइस को लो 67,500। और याद रखना मार्केट प्राइस जब भी लेस होगी ना तब आपको लॉस होगा, और जब मार्केट प्राइस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट नहीं, बेटे व्हिचएवर इज लेस का कांसेप्ट फॉलो करें। तो सिंपल याद रखो, अगर मार्केट प्राइस कम है, मार्केट प्राइस कम है तो लॉस होगा, और मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है तो नो प्रॉफिट, नो लॉस। अभी फिलहाल मार्केट प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा, यहां पे लिखता हूं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कॉस्ट में से मार्केट माइनस कर दूंगा, बिल ऑफ मान बढ़ जाएगा, 68,819 में से माइनस करना है 67,500, आपको लॉस हुआ 1,319 रुपीस का लॉस है, तो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट करेंगे 1,319। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट स्लैश लॉस अकाउंट एंड योर वर्किंग नोट नंबर इज 11, योर एंड का डेट देंगे दैट इज 31 मार्च 2013। ज्यादातर मुंबई यूनिवर्सिटी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछती है जहां पर दो परचेज और दो सेल और दो इंटरेस्ट होता है, ताकि क्वेश्चन ज्यादा लेंथी भी ना हो और क्वेश्चन ज्यादा शॉर्ट भी ना हो।
आई होप ये लेक्चर आपको समझा. प्लीज कॉपी द क्वेश्चन. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.